कि जातीय जनगणना पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जातीय जनगणना पर सुनवाई पूरी, अंतरिम आदेश कल सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर एक याचिका लगाई गई थी कि ये जो मामला है जातीय जनगणना का, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके साथ ही गणना में होने वाले खर्च को भी टैक्स की बर्बादी कहा गया था, ये याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को हाईकोर्ट रेफर कर दिया था और कहा था कि आप हाईकोर्ट में जाएं। हाईकोर्ट को ये निर्देश दिया था कि 3 दिन के भीतर आप अंतरिम आदेश इसको लेकर सुनाएं। इस वक्त बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर जो हियरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, सुनवाई पूरी हो गई है, अब अंतरिम आदेश कल आएगा, यानी कि कल पटना हाईकोर्ट का जो कुछ भी आदेश होगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, उसका असर बिहार की सियासत पर और देश की सियासत पर भी पड़ना तय है। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताइए कि ये जो कल फैसला आएगा, जाहिर सी बात है कि चाहे फैसला जो भी हो लेकिन बिहार की सियासत पर और देश की सियासत पर इसका असर पड़ना तय है, तो ये बताइए प्रशांत जी कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए राजेश, आज सुनवाई हुई है और जो 5 PIL थे उस पर जो बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद दोनों ने सुनवाई की, और सुनवाई के बाद ये सुनवाई जैसे ही पूरी हुई उन्होंने तय कर दिया तारीख की गुरुवार को इस पर इंटरिम आदेश देंगे, यानी अभी फैसला नहीं होगा, ये इंटरिम आदेश होगा, अंतरिम आदेश होगा। और इस आदेश में क्या होता है ये तो कल फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि कल जो आदेश आएगा उससे बिहार की राजनीति पर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि यह असर इसलिए होगा कि जिस जातीय जनगणना 15 तारीख को खत्म होने वाली है उससे पहले अगर कोई आदेश आ जाता है ऐसा जो कि इस जनगणना को रोकने के लिए हो, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की निगाह भी लगातार पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के लिए इंतजार कर रही थी कि आखिर पटना हाईकोर्ट क्या आदेश देता है सुनवाई पूरी होने के बाद। और जैसा कि अभी कोर्ट से हमारे पास जानकारी आई है कि सुनवाई पूरी होने के बाद यह तय कर लिया गया है कि कल इस पर इंटरिम आदेश आएगा। राजेश, हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पर ये एक बात है कि जिस जातीय जनगणना को बिहार सरकार मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है, बिहार की महागठबंधन सरकार, कहीं ना कहीं जो उनके रणनीतिकार हैं, जो एजेंडा मेकर्स हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगले चुनाव के लिए ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कानूनी पक्ष रखा गया होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तो पूरी ताकत लगाई गई होगी इसमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश जी, और क्योंकि जो सरकार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही, वो पहले बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने लगातार ये कल से सुनवाई के दौरान उन्होंने कोशिश की है, अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। लेकिन जो पिटिशनर्स के एडवोकेट्स थे उसमें खासतौर पर जो दीनू कुमार जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनका ये पक्ष था, लगातार उनका ये कहना था कि सरकार का मकसद क्या है, मकसद क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनगणना कराने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार ये फैसला कभी भी स्टेट को नहीं सौंपी है, और स्टेट जब भी इस पर कोई निर्णय लेगा तो बिना केंद्र सरकार के परमिशन को नहीं ले सकता है। और यही मुद्दे जब आए सामने तब उस पर पीके साई ने ये कहा था कि सरकार चाहती है कि सरकार के जो भी लाभ की चीजें हैं वो आम लोगों तक पहुंचाए, और इसके लिए नीतिगत यह फैसला लिया गया है विधानसभा और विधान परिषद में, इसको पारित कराने के बाद ही सरकार ने कैबिनेट से इसका डिसीजन लिया है। इसी मामले पर कोर्ट में यह पक्ष रखा गया, और कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद मामले को पूरा कर लिया है, और कल अपना प्रशांत जी ने कहा गया है कि कल इसमें अंतरिम आदेश आएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो कल जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट अंतरिम आदेश सुनाएगा।